हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस लैंड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम जो इंग्लिश के वीडियोस बनाते हैं ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है बल्कि उन सभी लोगों के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं। स्पेशली उन लेडीज़ के लिए है जो किसी रीज़न से इंग्लिश सीख नहीं पाई और अब सीखना चाहती है, तो वो घर बैठे ये वीडियोज़ देख कर कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम इंग्लिश सीख सकती है। गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ किचन से रिलेटेड वोकैबुलरी कि किचन में हम जब खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में जो बर्तन यूज़ में लेते हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। जिस चीज़ से हम चाय छानते हैं उसको छन्नी कहते हैं हिंदी में, लेकिन उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे इंग्लिश में कहते हैं टी स्ट्रेनर। क्या कहते हैं? टी स्ट्रेनर। गाइज, आटा छानने की छन्नी को भी छन्नी कहते हैं, लेकिन उसे इंग्लिश में कहते हैं सीव। क्या कहते हैं? सीव। गाइज, अगर आप ये मीनिंग मेरे साथ रिपीट करते रहेंगे तो आप ये वीडियो ख़त्म होने तक सारी वोकैबुलरी याद कर चुके होंगे। फ्रेंड्स, रोटी बनाने के लिए हम जिन चीज़ों को यूज़ में लेते हैं उन्हें चकला और बेलन कहते हैं। चकले को हम इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग बोर्ड या पेस्ट्री बोर्ड, और बेलन को हम कहते हैं रोलिंग पिन। क्या कहते हैं? रोलिंग पिन। फ्रेंड्स, रोटी तो हमने बना ली, लेकिन अब रोटी को सेकने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा, तो रोटी को सेकने के लिए जो यूज़ में लेते हैं उसे चूल्हा कहते हैं, और चूल्हे को इंग्लिश में कहते हैं स्टोव। क्या कहते हैं? स्टोव। एक और चीज़ काम में लेते हैं वो होती है तवा। तवे पे रोटी सेकते हैं हम, तो गाइस तवे को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीडल। क्या बोलते हैं? ग्रीडल। फ्रेंड्स, रोटी बनाने के लिए हम एक और चीज़ यूज़ में लेते हैं वो होती है चिमटा, और चिमटे को हम इंग्लिश में कहते हैं टोंग्स। क्या कहते हैं? टोंग्स। गाइस, इसी के साथ हम खाने को सर्व करते हैं, तो सर्व जिस तश्तरी में करते हैं उस तश्तरी को इंग्लिश में कहते हैं सॉसर। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, सॉसर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वोकैबुलरी इज़ वेरी इजी। आप सभी जानते हैं कि चम्मच को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पून। और चाकू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, नाइफ। फ्रेंड्स, जिस वस्तु से हम अदरक कूटते हैं उसको हिंदी में कहते हैं ओखली और मूसली। इन दोनों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओखली को हम इंग्लिश में कहते हैं मॉर्टर, और मूसली को हम इंग्लिश में कहते हैं पेसल। इन दोनों को हम इंग्लिश में कहते हैं मॉर्टर और पेसल। गाइस, जिस बर्तन में हम पानी भरते हैं उसे घड़ा कहते हैं, लेकिन उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे इंग्लिश में कहते हैं पिचर। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, पिचर। नींबू निचोड़ने के लिए जिस वस्तु को यूज़ में लेते हैं उसे कहते हैं लेमन स्क्वीज़र। क्या कहते हैं गाइस? लेमन स्क्वीज़र। फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट किचन वोकैबुलरी है कढ़ाई। कढ़ाई को इंग्लिश में कहते हैं वॉक। क्या कहते हैं? वॉक। और इसके बाद हम यूज़ करते हैं माचिस का। माचिस को इंग्लिश में कहते हैं मैच बॉक्स। क्या कहते हैं? मैच बॉक्स। फ्रेंड्स, हम वेजिटेबल और फ्रूट्स किस में रखते हैं? टोकरी में। बिल्कुल सही, टोकरी में। लेकिन उस टोकरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बास्केट। यू आर राइट, बास्केट। आई होप फ्रेंड्स, आज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी वोकैबुलरी सीखी भी होगी। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।